ये बताएं, नया बेरिंग जब पैकेट से निकालेंगे 40.00 अगर हमने साइज है, तो ये प्लस में होगा तो टाइट आएगा या माइनस में होगा तो टाइट आएगा? प्लस में होना चाहिए ना। अली अकबर साहब ने कहा कि प्लस में, अगर 40 की जगह 41 मिलीमीटर हो तो शाफ्ट पे लूज होगा, टाइट होगा, खुला हो जाएगा ना, तो इसलिए माइनस में होगा। माइनस में होगा तो टाइट पकड़ाएगी ना, टाइट होगा, हमें टाइट ही करना है ना। ठीक है, मेरे तो पहले लूज चल रहा था। अच्छा, अब ऐसा है कि 40 तो एक साइज हो गया नॉमिनल, इसके साथ जो दूसरा साइज है वो लिखे 39, उसके साथ नीचे 39.988। अब जो पहला साइज लिखा हुआ है 40.000, उसके सामने लिख दीजिए जीरो, या हाँ जीरो, और नीचे जो दूसरा है इसके नीचे लिखे -12। अब्दुल मजीद साहब, ये हमारा फर्क आ गया मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का नए बेरिंग की। अगर आपने पैकेट से बेरिंग निकाला और वो निकला -13 का, यानी उसका साइज था 987, तो आप वो बेरिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो गलत बेरिंग आ गया, उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गई। और अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी, चाहे आपने जैसी भी शाफ्ट बनाई हो। नया बेरिंग का साइज चेंज हो सकता है, गलती हो सकती है, आपको गलत बेरिंग आ सकता है, रिफर्बिश -12 तक, ये इस साइज का है, पूरा चार्ट है जिसमें मैं आगे दिखाता हूँ कि ये साइज निकला कहाँ से। ठीक है, ताकि आप हर बेरिंग का खुद निकाल लें। सो 13 पूरा 40 वाला जो है वो सही है? नहीं, ये लिमिट है 40 से -12 तक ना, इसके दरमियान कोई भी साइज हो तो ठीक है। हम बात कर रहे हैं शाफ्ट साइज की, बोर की आईडी की, आईडी जो है पैकेट से निकाल के चेक करना है, नए को चेक करना है। अभी हम बेरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेरिंग को पैकेट से निकालें, उसको चेक करें, मेजर करें, नोट कर लें, अगर इस साइज के अंदर है नोट कर ले, नहीं है आप उसको वापस करें, बोले नहीं चाहिए मुझे भाई, गलत आ गया। ठीक है, इसी चीज की तो पैसे है ना यार, हम लिमिट भी है तो उसको नोट जरूर करें, क्योंकि नोट किए बगैर नोट किए बगैर हम फिट मेजर नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा फिट कितना बना अगर हम नोट नहीं करेंगे। हमने इसको चले मान लिया कि हर कंपनी जो बेरिंग बनाती है कोशिश करती है मीन वैल्यू अचीव करने की, इसका मीन क्या आया, 0 और -12 का -6, सेंटर में लिख दे दोनों लाइनों के आगे -6, यहाँ -6 माइक्रोन, ये अगर मिलीमीटर में लिखे तो बनेगा 0.006, 0.006 मिलीमीटर इसका जो है वो वैल्यू बनेगी, तो ये क्या बनेगी 39.994 शाफ्ट के पॉइंट से, इधर लिख दें 600 नहीं वो 60 होगा फिर, हाँ यानी कि सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया ना, ऊपर आ गया, ठीक हो गया, हाँ 6 ऊपर 6 नीचे, ये बेरिंग का हो गया। अब जब शाफ्ट आप इसकी बनाएंगे तो हम ISO का स्टैंडर्ड भी फॉलो करेंगे और आपके टर्नर की महारत भी, तो हम वो साइज नीचे में लिखे एक लाइन लगा दें पूरी ऐसे 39 के नीचे लंबी लाइन बस। अब नीचे लिखिए 40.002 मिलीमीटर से शुरू करके शाफ्ट आपकी ऊपर जा सकती है मैक्सिमम, इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे 40.013 मिलीमीटर, ये दो वैल्यूज हैं जिनके दरमियान आप शाफ्ट बना सकते हैं। अगर आपकी शाफ्ट इससे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो वो शाफ्ट हमारे लिए नाकाबले कबूल है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है समझना कि हम उसकी शाफ्ट को जब चेक करेंगे तो हमें इन साइजेस के दरमियान वेरीफाई करना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हसन साहब हमने इस्टेब्लिश करनी है, मार्कर दें कि आपने शाफ्ट बनवाई तो इसका साइज यकीनन कोशिश करेंगे मीन पे रहे, वो आएगा +7 रफली 7.5 इनके बीच की वैल्यू 7.5। ठीक है, तो अब 7 जब आया तो हमने ये अगर एक लाइन लगा ली
ऊपर जाएं प्लस है, नीचे जाएं माइनस है, ठीक है, ये जीरो है यहाँ पे। तो जितना ऊपर जाएंगे हम कितना ऊपर चले गए, प्लस सात, ये समझ लें प्लस सेवन हम ऊपर चले गए। और बेरिंग जो है वो कितना नीचे आ गया, माइनस सिक्स, ये माइनस सिक्स। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बना, 13.013 मिलीमीटर, 13 माइक्रोन की इंटरफेरेंस आ गई। यानी शाफ्ट जो है वो प्लस चलेगी, बेरिंग माइनस आया, दोनों आपस में एक दूसरे में सरफेस और पकड़ जो आई वो आई 13 माइक्रोन की थ्योरेटिकली। अब एक और चीज, अगर आपने शाफ्ट बनवा ली 13 की, हम आपको ये नहीं कह सकते गलत किया है। अगर हमने आपको बेरिंग दे दिया माइनस 12, आप नहीं कह सकते गलत है, रेंज में है ना। तो ये कितना डिस्टेंस आ गया, 0.025 मिलीमीटर, बड़ा अब टाइट फिट हो गया। अगर आपने शाफ्ट बना ली प्लस 2 की, हमने बेरिंग दे दिया 0, तो वो कितना आया, प्लस 2 और 2 और 0 2। तो इसका मतलब थ्योरेटिकली 0 से लेके 25 माइक्रोन तक, 25 माइक्रोन मीन 0.025 मिलीमीटर तक आप जो है इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं, अगर बेरिंग इसमें होगा और इसके अंदर आपकी शाफ्ट होगी। तो ये क्या है टॉलरेंस, ये क्या है इंटरफेरेंस, ये किस बदले में आई, उस बदले में। तो ये अब थ्योरेटिकली हमने तय कर लिया। अब होता क्या है कि आपने टर्नर को कहा 7 की शाफ्ट बना दो, तो उसने शाफ्ट बनाई, तो आपने मेजर किया तो यहाँ पे है 6, 7, 8, 9, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8। उसने कहा सर जी इधर भी इधर 7 ही है तकरीबन। आपने कहा ठीक है, अब जहाँ ये हाईज हैं जहाँ लोज हैं वहाँ इंटरफेरेंस फिट नहीं आ रही, वहाँ पे सिलेंड्रिसिटी सही नहीं है, वहाँ पे सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट नहीं बन रहा। मशीन चल गई दोनों आएगी नेक्स्ट 8 घंटे की, हम उसको उतारेंगे फिर वेल्डिंग करवाएंगे फिर वर्कशॉप से ये सारे जुगाड़ है। तो ये जब आप फंस जाए ना, मशीन चलानी जरूरी है, प्रोडक्शन लॉस बचाना जरूरी है, तो जो मर्जी करो, वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, आप जो मर्जी करो, लेकिन जब शटडाउन टाइम आ जाए ना, फिर टर्नर को बोले मुझे सिलेंडरी सिटी चाहिए, 7 का मतलब थ्रू आउट 7, 8 का मतलब थ्रू आउट 8, उसमें गोलाई एक होनी चाहिए, जो वहां पे मशीनें हैं ना उनकी एक्यूरेसी भी इसी तरह की है, उसको उसके लिए कम है जो वहां पे रखे हुए हैं उनकी एक्यूरेसी वो बाधा है एमडी पेपर से ना, फिर उसको भी आरएपी से वे और खतरनाक है। ये अभी लास्ट में लिया था बाय चांस ना, उसकी सरफेस देख के ही पता चला था कि डाउटफुल आई है, तो जब चेक करवाया वहां के वो फौरन रिजेक्ट कर दी थी हम लोगों ने। अब बताएं बेयरिंग लगाने के लिए आपको टूल, ये वो बेयरिंग लगाने के लिए तो टूल पे जाते हैं, लेकिन अगर शाफ्ट सही नहीं है बेयरिंग लगाने का फायदा कोई नहीं, फायदा कोई नहीं है ये सबसे। आप कह रहे हैं ना कि बाहर से लग के आता है तो अच्छा चलता है, हम ये इसी वजह से ढूंढ रहा हूं। और मशीनें ठीक नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंदे ठीक नहीं, उनकी ट्रेनिंग करानी है इसके ऊपर बहुत ज्यादा। टर्नर को बिठाएं इस ट्रेनिंग में अगली दफा, टर्नर वर्कशॉप का एरिया, लेकिन आप कम अज कम पकड़ ले, आप ना इसको होने ना दे, हाईलाइट करें, ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या एस्टेब्लिश किया, ये कि या तो बेरिंग जीरो है तो आपकी शाफ्ट 2 है तो 2, और अगर आपका 13 है शाफ्ट हमारा 12 है तो 25 माइक्रोन की इंटरफेरेंस आ गई। अब यहाँ पे साबिर साहब जो हम C3 की बात कर रहे हैं ना, ये बेरिंग की, सर जी हसन साहब इसके आगे लिखें इसकी इंटरनल क्लियरेंस, वो होगी ये ले, वो होगी 15 से 33 के दरमियान, C3 है ना, तो उसकी इंटरनल क्लियरेंस निकलती है 15 माइक्रोन से 33 माइक्रोन के दरमियान, 33। दूर से मोटा लिखेंगे ना तो कैमरे में भी रिकॉर्ड होगा, बाद में आप ये वीडियो अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं कि यार मैंने ये सीखा है, मैं कहीं भूल ना जाऊं सिखाने में तो पूरी वीडियो देख लो जी। तो ये इसके दरमियान उसकी क्लियरेंस होगी, हमने कितना उसको टाइट कर दिया, 25 क्यों किया हमने, ये भी मैक्सिमम ली, ये भी मैक्सिमम ली, उसकी भी मैक्सिमम ले लें, 33 में से 25 निकालें, क्या जवाब आया,
8, तो आप इसका मतलब कि अगर आपने हाईएस्ट वैल्यूज ले ली बेरिंग और शाफ्ट की, और आपने बेरिंग अगर C3 था और वो भी हाईएस्ट वैल्यू पे था, तो 8 माइक्रोन पीछे जगह बच गई। किसके लिए? लुब्रिकेंट की फिल्म बनने के लिए, थर्मल एक्सपेंशन को अकोमोडेट करने के लिए। हाउसिंग के फिट में भी 4 माइक्रोन जाएगा ना, तो ये तो फिर पीछे कितना बचा? 3 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 6 माइक्रोन, 5 माइक्रोन। तो जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो बेरिंग लाइफ नहीं देते, और डिस्टर्ब होने की वजह शाफ्ट है, और दूसरी वजह हम चेक ही नहीं करते नया बेरिंग किस साइज का मिला हमें। जब हमारा बेरिंग अगर -12 का है तो आप अपने टर्नर को बोलो यार +3 की मुझे शाफ्ट बना दे, हम बेरिंग भेज देते हैं साथ, वो चेक कर ले, वो चेक कर ले, वो चेक करे, नोट करे, आपको आपने क्या करना है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है ना, रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी जाते ना रोटर्स वगैरह। अगर आप कहते हैं हमने बेरिंग लगाया 3 महीने में टूट गया, आओ जी बताओ कैसे टूटा, मैं कहूंगा मुझे बताओ क्या साइज था, वो कहेगा सर ये था, मैं क्यों मान लू, रिकॉर्ड नहीं कहीं लिखा हो। और फिर इसका भी तो डाटा कलेक्ट करो ना कि 3 सालों में कितने बेरिंग हमारे शाफ्ट की वजह से टूटे, टर्नर की वजह से खराब हुए, माउंटिंग सही वजह से ना हुए, साइज क्या आते, वेरिएशन कहाँ आ रही है, कितना डेविएट कर रहे हैं हम इसमें। इसमें देखें लेफ्ट साइड पे यहाँ लिखा हुआ है, ये पढ़ के सुनाए सर क्या लिखा है। नॉर्मल टू हैवी लोड, हम मोटर की बात कर रहे हैं जो इसमें फॉल करती है। एप्लीकेशन की यहाँ दी हुई है एग्जांपल्स पढ़ें, जनरल बेरिंग्स एप्लीकेशन और इलेक्ट्रिक मोटर्स, मोटर आ गया, पंप्स, गियरिंग, तो हमारी एप्लीकेशन यही हो गई ना। इसके आगे क्या लिखा है, इसके ऊपर देखिए क्या है, बॉल बेरिंग, ऊपर ऊपर ये बॉल बेरिंग है, अगला क्या है, डायमीटर बॉल बेरिंग, अगला क्या है, सिलेंडरिकल रोलर बेरिंग, अगला क्या है, टेपर, हमारा कौन सा है, बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग के नीचे आए, हमारा बोर कितना है ये इसमें, नहीं हमारा बोर कितना है बेरिंग का, 40 40 के अगेंस्ट देखिए वो कहां फॉल करेगा, 17 से 100 में करेगा जी, ठीक हो गया। आप 17 से 100 के एंड पे क्या लिखा है, 25, नहीं आगे आगे K5 के ऊपर देखिए क्या है, ऊपर 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 सबसे ऊपर, टॉलरेंस क्लास, टॉलरेंस क्लास हमारी क्या निकली, K5। आपने टर्नर को कहना है बेटा मुझे K5 की शाफ्ट बना दो, ये साइज वो खुद निकाल लेगा, और आप भी निकाल सके, मैं इसके बाद आपको अगली स्लाइड पे सिखा देता हूँ। नेक्स्ट कीजिए, ये देखो जी मिस कुछ कहना है, हाँ ये K5 लिखा है, देखो जीरो जीरो से ऊपर जाके शुरू हो रहा है और ऊपर जाके रुक गया। अब हम अगले चार्ट में देखते हैं। अच्छा यहाँ एक चीज देखिएगा, ये सारे स्मॉल लेटर हैं, ये सारे कैपिटल लेटर हैं, ये हाउसिंग की बात हो रही है, बेरिंग का आउटर रिंग हाउसिंग में फिट होता है, इनर रिंग शाफ्ट पे होता है, ठीक है, तो उसकी भी वैसी टॉलरेंस है जैसी शाफ्ट की है, लेकिन नंबर का फर्क है जी, हाउसिंग को ही शो करता है, हाँ सारे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए शाफ्ट टॉलरेंस का ये चार्ट हमने देखा, हमने कौन सी क्लास चूज की थी, स्मॉल K5, इसके नीचे हमारे बेरिंग का बोर आ रहा है 30 से 50 में आ रहा है, ये क्या लिखा है 0 से -12, ये क्या है, बेरिंग डायमीटर, वो हमने लिखा 0 से 12 माइनस, ये क्या है 2 से 13, क्या था शाफ्ट का साइज 2 से 13 माइक्रोन, ये यहां से वैल्यूज ली। अब ये 3 वैल्यूज हैं एक के इवस, इन तीनों में देखें पहले क्या है, डेविएशन शाफ्ट डायमीटर में डेविएशन कितनी है, दूसरी क्या है थ्योरेटिकल इंटरफेरेंस, अगर ये 0 है ये 2 है तो ये 2 होगा, अगर ये -12 है ये 13 है तो ये 25 होगा, थ्योरेटिकल जमा मनफी, और प्रोबेबल इंटरफेरेंस क्या है, 3 में, हाँ नहीं C3 का इससे कोई लेना देना नहीं भी, अच्छा प्रोबेबल इंटरफेरेंस में क्या है, उसने कहा 2 ना रखो वहां, 2 ना रखो आप 5 रख लो, ISO ने कहा प्रोबेबल इंटरफेरेंस आनी चाहिए 5, बिल्कुल एक्सट्रीम पे ना जाओ, और दूसरे एंड पे भी उसने कहा 25 ना रखो, थोड़ा नीचे ले आओ 22 कर लो, ताकि एक अच्छा फिट बन जाए, मीन फिट बन जाए। तो ये प्रोबेबल इंटरफेरेंस की वैल्यूज हमें दे दी ISO ने। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछें, ये क्लियर हो गया पहले ना, है ना, तो ये बड़ा जरूरी नहीं है इसको अप्लाई करना, ये लाखों डॉलर की ये इंफॉर्मेशन है जो सही मानों में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट हो जाए तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है।
हर जगह नहीं हो रहा, आप सिर्फ अकेले नहीं है, ये मिसिंग है इन्फॉर्मेशन सारी इंडस्ट्री में। अब बैरिंग भी वो सही कह रहे हैं, हम पहले यार ड्राइंग भेजते थे या उनको साइज बता देते थे जी ये है ना, अब हम लोग है ना यही तरीका, हमको ये नहीं पता वो चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपकी जिम्मेदारी है अब ये मेक श्योर करना। हाँ ये बैरिंग हम भेज देते हैं साथ उनको, बस है ना सिर्फ इतना गाइड करते हैं कि बाय फोर्स जाना, उनकी एक गलती आपकी पूरी मशीन की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, तो ये बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट कीजिए सर, आप इसको लिखेंगे कैसे, 40.002 40.013। नेक्स्ट, ऐसे ही हाउसिंग का चार्ट दिया कैटलॉग में, इलेक्ट्रिक मोटर्स कैपिटल K7। नेक्स्ट ये देखो, हाउसिंग फिट्स, हाउसिंग टॉलरेंस एंड रिजल्टेंट फिट। अब आउटर डायमीटर देखेंगे हम, आईडी नहीं, 50 से 80, 0 से -13 क्या है, बेरिंग के आउटर डायमीटर की टॉलरेंस, ठीक है, और शाफ्ट आपकी हाउसिंग की क्या है, +4 से -15। तो यही प्लस माइनस करेंगे, नेक्स्ट करें सर, तो ये साइज आएगा 80.009 और दूसरी लिमिट है 79.979। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यूज आप मीट करेंगे तो आपकी हाउसिंग का फिट भी अच्छा बनेगा, शाफ्ट का फिट भी अच्छा बनेगा और आपकी मशीन की लाइफ बढ़ेगी।